डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, इस मूर्ख का क्या करें। सबसे पहले इस कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। आदमी का वफादार होना ही काफ़ी नहीं, उसे समझदार या होशियार भी होना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति कितना भी वफादार क्यों ना हो, फिर भी कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। प्रस्तुत कहानी यही संदेश देती है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आदमी का अकेले वफादार होना ही ज़रूरी नहीं है, उसे वफादार होने के साथ साथ अक्लमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। काकू नाम का एक सेठ था। गांव से थोड़ा बाहर खुले चौक में उसकी दुकान थी। दुकान में तरह तरह की चीज़ें बिकती थी। उसका एक नौकर था। नौकर का नाम था घिस्सू। वह बड़ा ही वफादार था, किंतु थोड़ा मूर्ख भी था। एक दिन सेठ को कहीं जाना पड़ा। तो इस कहानी में काकू नाम का एक सेठ है और उसका नौकर है, नौकर का क्या नाम है, घिस्सू। तो एक बार सेठ जी को कहीं काम से बाहर जाना था, तो वो घिस्सू को कहकर जाते हैं कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। घिस्सू, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान छोड़कर कहीं मत जाना, दरवाजे को ठीक से संभालना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी, दरवाजे की चिंता बिल्कुल ना करें, यह चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो सेठ जी हैं वो घिस्सू को कहते हैं कि उनको कहीं काम से बाहर जाना है, इसलिए वो दरवाजे का ध्यान रखे। तो सेठ जी के कहने का मतलब तो यही था दरवाजे से कि वो दुकान का ध्यान रखे, और सेठ जी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में चौराहे पर डुगडुगी बज उठी। नटों का खेल शुरू हो गया। अरे, नटों का खेल देखने में कितना मज़ा आएगा। तो जो घिस्सू होता है वो सोचता है कि उसने भी नटों का खेल देखना है, और उसे नटों का खेल देखने में तो बहुत मज़ा आएगा, पर खेल देखने में कैसे जाऊं, सेठ जी ने दरवाज़ा संभालने के लिए बोला है। तो घिस्सू सोचता है कि वो ये खेल देखने के लिए कैसे जाए, क्योंकि सेठ जी ने उसको दरवाज़ा संभाल कर रखने के लिए बोला है। क्या दरवाज़ा खुला छोड़ दूँ, पर कैसे छोड़ दूँ, सेठ जी ने तो दरवाज़ा संभालने के लिए कहा था। तो अब घिस्सू जो है वो अपने मन में बार बार सोच रहा है कि वो क्या करे, कैसे करे। घिस्सू खेल देखने के लिए पल पल उत्सुक होता जा रहा था, पर दरवाजे का ख्याल उसे रोके हुए था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। तो अचानक से घिस्सू को एक आइडिया आता है, एक तरकीब आती है। मैं क्यों ना दरवाजे को निकालकर मैं अपने साथ रख लूं, इस तरह दरवाज़ा भी सुरक्षित रहेगा और मैं खेल भी देख लूँगा। तो घिस्सू यही सोचता है कि क्यों ना वो दरवाजे को निकालकर उसको अपने साथ ही रख ले, ऐसा करने से उसका दरवाज़ा भी सुरक्षित रहेगा और वह खेल भी देख पाएगा। घिस्सू ने दुकान का दरवाज़ा निकालकर अपने कंधे पर रख लिया और चौक में जाकर नटों का खेल देखने लगा। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। तभी सेठ जी वापस आ जाते हैं। वह अपनी दुकान का दरवाज़ा और नौकर दोनों को गायब देखकर हैरान रह जाते हैं, किंतु तभी उनकी नज़र घिस्सू पर पड़ती है। वह भागा भागा घिस्सू के पास जाता है। अरे घिस्सू, तू यहाँ नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि दरवाज़ा छोड़कर कहीं मत जाना। सेठ जी, दरवाजे को तो मैं अपने साथ ले आया हूँ, उसे कोई छूकर तो देखे, मैं किसी है किसी में इतनी हिम्मत। तो घिस्सू कहता है कि दरवाजे को तो उठाकर वो अपने साथ ले आया है, तो किसी में इतनी हिम्मत है कि वो दरवाजे को छू ले। ओह, यह तो बड़ी भूल हो गई हुई। तो आगे सेठ जी कहते हैं कि लेकिन मूर्ख, तू दुकान का दरवाज़ा निकाल कर अपने साथ ले आया, पर दुकान तो खुली ही पड़ी है, तूने भी तो नटो जैसा ही तमाशा किया। दरवाज़ा संभालने का मतलब दुकान की ठीक से देखभाल करना था, ना कि इस दरवाजे की। तो सेठ जी जब उसको कहते हैं कि उसको दरवाज़ा संभालने का मतलब ये नहीं था, उसका मतलब था कि उसको दुकान की बहुत ही संभाल कर देखभाल करनी थी। तो घिस्सू कहता है कि ओह, यह तो बड़ी भूल हो गई, सेठ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि अकेले ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, हमें ईमानदार होने के साथ साथ अक्लमंद भी होना चाहिए।
धन्यवाद।